रेलवे एस्पायरेंट्स के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर मैं सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैंने एक पोल किया था, उसमें मैंने तीन चार रेलवे ग्रुप सी की पोस्ट के बारे में आपसे पूछा था कि आपको सबसे पहले किस पोस्ट पर वीडियो चाहिए। तो आप लोगों ने कहा कि पॉइंट्स मैन की पोस्ट पर आप एक डिटेल वीडियो लेके आइए। तो मैं तीन चार दिन की रिसर्च करने के बाद इस पर एक बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसमें मैं आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ बताऊंगा, जो भी सवाल आपके दिमाग में उठ सकते हैं पूरे पूरे मैं कवर करूंगा। फिर भी बनने वाला कोई डाउट आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, उस पर मैं अगले टॉपिक में या अगले वीडियो में चर्चा कर लूंगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स मैन है आपका, इसमें मैं आपका सैलरी हुआ, आपका प्रमोशन हुआ, कौन कौन से एग्जाम दे सकता है, आपका करियर ग्रोथ कैसी है, कितने घंटे टाइम करना पड़ता है, कितने घंटे की ड्यूटी है, किस किस तरह के कार्य करने पड़ते हैं, हर एक सारी चीज, ट्रेनिंग कितने दिन की होती है, सैलरी का क्या मामला है, तो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। वीडियो 10-15 मिनट के मेरे हो जाते हैं, क्योंकि मैं पूरी की पूरी डिटेल आपको देने की कोशिश करता हूँ। 10 वीडियो देखने से अच्छा है दोस्तों आप एक वीडियो ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको पॉइंट्स मैन के बारे में पूरा का पूरा समझा के आज चलने वाला हूँ। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर चीजें किस तरह से आपके सामने आएंगी उनको आप समझ चलना। पॉइंट्स मैन होता क्या है? पॉइंट्स मैन को हम कांटे वाला बोलते हैं हिंदी में। अब पॉइंट्स मैन का काम क्या होता है? बेसिक काम, जो बिल्कुल बेसिक है, बाकी और भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन जो बिल्कुल बेसिक काम है, यहां पर आप देख रहे होंगे मेरे सामने ये पॉइंट, आप ध्यान से देखिएगा इन पॉइंट्स को, ठीक है? यहां पर ये चीज आपको ध्यान से दिखाई दे रही होगी, इसमें डायग्राम में बहुत अच्छे से यहाँ पे दिख रही है, ठीक? ये है पॉइंट्स, ये क्या है? पॉइंट्स है। तो इन पॉइंट्स को मेंटेन करने का कार्य मुख्य रूप से पॉइंट्स मैन का होता है। ध्यान से देख लीजिए ये चीजें, आप ध्यान से बिल्कुल समझ में आ जाएंगी, आपको एक एक चीज यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। जो मैंने रेड सर्कल में किया है, ये पॉइंट्स बनाने का काम उसका होता है। यहाँ पर वैसे और भी काम हम आपको दिखा सकते हैं, जैसे कि ये वाला डायग्राम आप देखिएगा यहाँ पर। तो ये वाला डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें ये वाला पोर्शन आप यहाँ पे देखिए, ये वाला पार्ट आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये क्या है। ये एक गुड्स ट्रेन है, और ये जो मैंने सर्कल में किया ये वाला पार्ट, ये है हैंड ब्रेक। ये क्या है? हैंड ब्रेक। तो हैंड ब्रेक को लगाना, इसको खोलना, इसको टाइट करना भी उसका एक काम है, लेकिन ये बेसिक काम में नहीं आता। मूल जो काम है उसका, पॉइंट्स को मेंटेन करना, ट्रेन को पास कराना स्टेशन से। बेसिक काम पॉइंट्स को मेंटेन करना और ट्रेन को पास कराना स्टेशन से, उसको ऑल राइट सिग्नल दिखाना। ये मैं एक मोटी मोटी जानकारी आपको दे रहा हूं। आगे मैंने बहुत अच्छे से हर एक पॉइंट को आपको समझाने के लिए नोट किया, तो हर एक चीज मैं आपको डिटेल में यहां पर समझा के चलूंगा। अभी है क्या, पहले जो पॉइंट्स हुआ करते थे उसको मैन्युअली ऑपरेट करना पड़ता था। मैन्युअली मतलब एक आदमी जाता था और ऑपरेट करता था, लेकिन अभी आधुनिक टेक्नोलॉजी आ गई है, तो वो पॉइंट्स क्या होते हैं, स्टेशन से ऑटोमेटिकली उनको ऑपरेट किया जा सकता है स्टेशन में बैठे बैठे। लेकिन आइए आगे लेके चलता हूं, किस किस तरह से चीजें बदलती हैं आपके सामने मैं दिखा के चलूंगा हर एक चीज। यहाँ पे आप देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक मैनुअली पॉइंट्स है। देखो, इसको एक व्यक्ति हाथ से ऐसे खींचेगा लीवर को, तो जैसे लीवर को खींचेगा तो ये देखिए यहाँ पे पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे। इस सर्कल में जो आपको ये पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, इस लीवर को खींचने से, इस लीवर को ढीला छोड़ने से या खींचने से क्या होता है, ये पॉइंट्स ऑपरेट होते हैं, ठीक? तो ये मैनुअली है, इसको करने के लिए एक व्यक्ति को यहाँ पे होना ही होगा, तभी ये हो सकते हैं, ठीक है? अभी मेरे घर के सामने रेलवे स्टेशन है, तो मैं यहाँ पे बहुत पहले अगर बात करूं तो ऐसे ही पॉइंट्स को ऑपरेट करने वाला एक व्यक्ति आता था। लेकिन अगर बात करें आज के टाइम की, तो अब वो सारी चीजें बदल दी गई हैं। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑटोमेटिक कर दिया गया है। किस तरह से कर दिया गया है, एक दो डायग्राम में आपको वो दिखा देता हूं, ताकि आपकी अच्छे से क्लियरिटी बन सके, दिमाग में आप लोग अच्छे से समझ सको। देखिए भाई, ये डायग्राम आप ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको और अच्छे से क्लियरली विजिबल हो पा रहा होगा। ये देखिए यहाँ पर, और ये हिस्सा देखिए, ये मोटर लगा हुआ होता है इसमें एक, ठीक है? ये हिस्से पे मोटर लगा हुआ होता है। ये देखो, ये यहाँ पे पूरी की पूरी मशीनरी के थ्रू सारा का सारा काम होता है, ठीक? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये ऑटोमेटिक हो गया, इसको स्टेशन में बैठ के ऑटोमेटिक ऑपरेट किया जा सकता है। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ पर कहीं भी आपको लीवर दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पर अंदर मोटर लगी हुई है, ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट होते हैं। आई थिंक बात समझ में आपको आ गई होगी। तो बेसिक काम तो यही है, इसका मेन मुख्य कार्य यही है।
ठीक है। फिर मैं आगे बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ। वीडियो अगर आपको जल्दी जल्दी देखना है तो आप इसकी स्पीड को बढ़ा के देख सकते हैं। बाकी अगर ध्यान से हर एक चीज़ आपको समझनी है तो आप इसको एक एक पॉइंट समझ लो, इसमें फ़ायदा आपका ही है। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको समझा दूँ हर एक चीज़ बारीकी से। और बहुत सारे लोग इसी वजह से मुझे और मेरे वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया, थैंक यू। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। कभी कभी देखो होता क्या है, इसको मेंटेन करने का मीनिंग क्या है। मान लीजिए कभी कभी ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये मोटर है, यहाँ पे इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, अंदर कोई टेक्निकल इशू आ गया, तो पॉइंट ऑपरेट नहीं होगा। भले ही वहाँ से वो ऑपरेट करना चाह रहे हो लेकिन ऑपरेट नहीं होगा, तो इसको आके वो ठीक करेगा, अंदर से देखेगा क्या टेक्निकल एरर है, तो इसको मेंटेन करेगा। अगर इसमें कोई एरर नहीं है, मोटर में कोई एरर नहीं है, तो पता है दोस्तों कभी कभी होता क्या है, कभी कभी कुछ पत्थर इसमें अंदर आ जाते हैं, कुछ पत्थर इसमें यहाँ पे अंदर, अगर पत्थर इस वाले हिस्से में आप ध्यान से देखिएगा, इस वाले हिस्से में अगर पत्थर आ गया, या ट्रैक पर किसी चलने वाले व्यक्ति ने, किसी बच्चे ने, किसी सरफिरे व्यक्ति ने इसके अंदर पत्थर डाल दिया, तो होगा क्या, ये मिल नहीं पाएगा, ये बंद नहीं हो पाएगा, सही से ऑपरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, बीच में एक ब्लॉक आ गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये ऑपरेट नहीं होगा। ठीक, तो वहां पर मालूम हो जाएगा कि पॉइंट्स में कुछ गड़बड़ है, तो उस केस में क्या होगा, व्यक्ति जाएगा, कौन जाएगा, पॉइंट्समैन जाएगा, देखेगा भाई क्या गड़बड़ है, ऑब्जर्व करेगा, उसको उसके हिसाब से ठीक करेगा। टेक्निकल एरर है तो टेक्निकल एरर को दूर कर देगा, इसमें कोई पत्थर वगैरह आ गया है तो इसको भी वो दूर कर देगा। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट, जो मैं कह रहा हूँ वो आप भली भांति समझ रहे हैं। ठीक है, अभी रात के 3 बज रहे हैं, मैं ये वीडियो शूट करके आपको दे रहा हूँ, लगातार 3 दिन से इसमें लगा हुआ हूँ, पूरी कोशिश है कि आज मैं फाइनल आपको करके दे रहा हूँ ये चीज। ठीक है भाई, तो ये आपने समझ लिया। अब मैं इसकी पूरी की पूरी प्रोफाइल पर आपको लेकर के चलता हूँ, बेसिक कहानी जो आपके दिमाग में सेट हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, इसके लिए मैंने और अच्छे से चीज़ें आपके लिए व्यवस्थित करके रखी हैं, तो मैं आपको वहाँ पर लेके चलता हूँ। ये देखिए, अब मैं सीधे सीधे आपको लेके आ गया हूँ, क्या क्या चीज़ों पे मैं और भी डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे। तो देखो, असिस्टेंट पॉइंट्समैन, जब अभी आप ग्रुप सी का एग्जाम दिया, मतलब जिसको ग्रुप डी अभी तक हम लोग बोलते रहे, तो वो आपने एग्जाम दिया है, अब आप सीधे सीधे क्या बनेंगे, असिस्टेंट पॉइंट्समैन बनने जा रहे हैं आप, असिस्टेंट पॉइंट्समैन बन जाएंगे। अच्छा, ग्रुप सी में आती है ये, ग्रुप डी या ग्रुप सी में आता है असिस्टेंट पॉइंट्समैन। जो प्रोफाइल या वर्क प्रोफाइल पर हम बात करने वाले हैं, कुछ मैंने चीजें आपको आइडिया दे दिया है, करियर ग्रोथ इसमें आपकी कैसी है, सैलरी कितनी मिलती है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, ऑल बेसिक पॉइंट्स, ऑल बेसिक डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं एक करके। ये देखिए, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर असिस्टेंट पॉइंट्समैन जो है आपका, पॉइंट्समैन या कांटा वाला इसको हम बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट्समैन या कांटा वाला हिंदी में। ठीक है, इसको हम शंटमैन भी बोलते हैं। अब शंटमैन इसको कब बोलते हैं हम, शंटमैन का मतलब क्या होता है, जो बड़े स्टेशन हैं वहां पर किसी गाड़ी को किसी इंजन से अटैच करना। ठीक है, गाड़ी को इंजन से अटैच करना या किसी मालगाड़ी को इंजन से डिटैच करना। अटैच करना मतलब इंजन और गाड़ी को जोड़ना, मतलब बोगीज जो होते हैं डिब्बों को गाड़ी से जोड़ना, यानी कि लोको से, यानी कि इंजन से जोड़ना या इंजन से हटाना, ये भी पॉइंट्समैन का काम होता है। शंटिंग बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हम, शंटिंग। और इसमें ये एक सेफ्टी पोस्ट है, ये जो पोस्ट है सेफ्टी पोस्ट के अंतर्गत आती है, या इसको हम ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत भी एक पोस्ट हम बोल सकते हैं। आई थिंक बहुत सारी चीजें आपको एक एक करके मैं क्लियर करने की कोशिश है, और बहुत सारी चीजें मैं आपको क्लियर यहाँ पे कर भी दूंगा। जो इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A2 होता है। ड्यूटी जो रोस्टर है इसका 8 घंटे की होती है, 12 घंटे की होती है। कहीं कहीं पे आपको 8 घंटे की देखने के लिए मिलेगी, और कहीं कहीं पे इसकी ड्यूटी आपको 12 घंटे की भी देखने के लिए मिलेगी। अगर आपका सिटी जो है, या आपकी जो पोस्टिंग है सिटी में है, स्टेशन थोड़ा सा बड़ा है, तो वहां पे 8 घंटे की ड्यूटी आपको करनी पड़ती है, उसमें आपको 1 दिन का रेस्ट मिलता है। अगर आपका स्टेशन विलेज में है, छोटा स्टेशन है, तो वहां पर आपको क्या है कि आपको 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है। ठीक है, 12 घंटे की ड्यूटी, सिंगल लाइन हो सकती है, डबल लाइन हो सकती है। भाई विलेज में स्टेशन है तो वहां पे ट्रेन कम आती जाती है, जो छोटे मोटे स्टेशन होते हैं ट्रेनों का आना जाना कम रहता है। अभी तो थोड़ा बढ़ गया पहले के मुकाबले, जैसे जैसे रेलवे अपग्रेड कर रहा है अपने आपको, तो सिंगल लाइन हो सकता है, डबल लाइन हो सकता है, 12 घंटे की ड्यूटी होती है, तो वहां पे 1 रेस्ट मिलता है। ठीक, आगे मैं आपको दोस्तों बताता हूँ इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं आपके लिए। देखिए यहां पर क्या है, मेजर स्टेशन जो होते हैं, जो बड़े स्टेशन है जहां पे संटिंग होती है, अटैच डिटैच, ये मैंने आपको बता दिया है। माइनर स्टेशन जो छोटे स्टेशन है, बिल्कुल जहां पे दिन में 4, 5, 6, 7, 8 ट्रेन ही गुजरती है,
तो वहां पे क्या है, ऑफ साइड या स्टेशन या अपोजिट साइड से क्या दिखाना पड़ता है, फ्लैग दिखाना पड़ता है। फ्लैग मतलब जो झंडियाँ होती हैं रेड और ग्रीन, और नाइट में वही हम डिजिटल लाइट होती है या उसको आप लैंप बोल सकते हैं, वो दिखाते हैं। डे में हम लोग झंडियों का प्रयोग करते हैं रेड और ग्रीन का, राइट हैंड में रेड रखते हैं और लेफ्ट हैंड में ग्रीन रखते हैं। ठीक है, झंडी मैंने पकड़ के देखी रेलवे की, हम भी इसमें ही हैं भाई। तो थोड़ा बहुत मुझे मालूम झंडी के बारे में। ठीक, तो यहाँ पर फ्लैग दिखाना होता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। मेनली क्या है, ट्रेन को भी पास कराना किसका काम है, स्टेशन पे पॉइंट्स मैन का ही काम है। आइए मैं अब आपको और बहुत बेसिक डिटेल में इसकी लेके चलता हूँ। हर एक डिटेल पर दोस्तों मैं चर्चा करने की पूरी पूरी कोशिश है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर मैं बात करूंगा अब कि भाई जो हमारा पॉइंट्स मैन है एलडीसी देता है अगर वो, तो एलडीसी से क्या क्या बन सकता है। एलडीसी से वो टीटी बन सकता है, स्टेशन मास्टर बन सकता है और गुड्स गार्ड बन सकता है। ठीक है, और ये जो आपका जीडीसी है, जीडीसी से जूनियर कमर्शियल क्लर्क बन सकता है। ठीक है, सीनियर कमर्शियल क्लर्क बन सकता है, जूनियर क्लर्क बन सकता है, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड और टीसी। तो जो आपका दोस्तों ये एलडीसी का एग्जाम है, एलडीसी का जो एग्जाम है इसको देने का जो मिनिमम टाइमिंग है वो 3 ईयर्स है। अब ये 3 ईयर्स मैं क्यों बता रहा हूँ, मैंने अपने सीनियर स्टाफ से पूछा है तो वो लगभग 8-10 साल से रेलवे में कार्यरत हैं, तो उनसे मैंने पूछा है तो उन्होंने मुझे मिनिमम 3 ईयर ऑफ सर्विस बताया है कि मिनिमम 3 ईयर ऑफ सर्विस के बाद जो है एलडीसी दे सकता है। लेकिन इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है इस पॉइंट में। मैंने कभी ऐसा सुना था कि भाई एलडीसी जो है ये कभी भी दे सकता है, तो इस पॉइंट को मैं एक बार और कंफर्म कर लूंगा। अगर आपको किसी को मालूम है तो आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, और जीडीसी तो आप जानते हैं, जीडीसी तो आप कभी भी दे सकते हैं, जीडीसी में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। ठीक, तो मैं आपको आगे लेके चलता हूं इसमें अगले पेज पर। यहां पर देखिए ये क्या लिखा हुआ है, एनी प्रॉब्लम एट यार्ड। अगर यार्ड में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, कैसी प्रॉब्लम, जैसे पॉइंट फेल्योर हो गया या सिग्नल फेल्योर हो गया। पॉइंट फेल्योर का मतलब वही पॉइंट में कोई खराबी आ गई, या सिग्नल जो रेलवे जब ट्रेन पास होती है तो साइड में जो सिग्नल लगे हुए होते हैं ग्रीन रेड येलो व्हाइट लाइट वाले, तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको भी चेक करने कौन जाता है दोस्तों, पॉइंट्स मैन ही जाता है। अब चाहे वो दिक्कत दिन में आए चाहे वो रात को आए, तो रात वाले केस में आप थोड़ा सा बोल सकते हो कि रिस्क हो सकता है, तो वो थोड़ा सा रिस्क वाला पॉइंट होता है। अभी क्या है, लोको पायलट गुड्स गार्ड को स्टेशन मास्टर का मेमो देता है। स्टेशन मास्टर ने जो मेमो दिया है पॉइंट्स मैन को, ये पॉइंट्स मैन क्या करता है, लोको पायलट को जाके वो मेमो देता है और गुड्स गार्ड को भी जाके ये वो मेमो देता है। उसमें जो भी इनका कागजी कार्रवाई या कुछ भी सिग्नेचर वगैरह चीजें होती हैं वो ये अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग इसमें, पॉइंट्स मैन की जो जॉब है ये ग्रुप सी या ग्रुप डी डिपार्टमेंट में इसको नंबर वन पे माना जाता है। ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब है, 17 पोस्ट में से इस पोस्ट को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, सबसे अच्छा या सबसे ज्यादा डिमांड इसी पोस्ट की है। आप में से बहुत सारे लोग, लगभग उस पर 4,000 लोगों ने सर्वे में मुझे पॉइंट्स मैन पे वोट दिया कि भाई पॉइंट्स मैन पे वीडियो लेके आइए, तो इसीलिए मैं ऑन डिमांड ये वीडियो लेके आया हूँ। ग्रुप सी में इसकी सबसे ज्यादा क्या है, डिमांड है। यहाँ पर जो अगला पॉइंट है हम इसका ड्यूटी रोस्टर देख लेते हैं। तो दोस्तों जो 8 घंटे का ड्यूटी रोस्टर होता है, इस 8 घंटे के ड्यूटी रोस्टर में है क्या, इसमें 2 दिन आपको इस तरह से करना होगा। देखो डे में 2 दिन डे, 2 दिन नाइट और 2 दिन, मतलब 3 शिफ्ट आप माने, 3 शिफ्ट आप माने भाई 8 घंटे की ड्यूटी है तो 8 या 24, पूरे 24 घंटे पूरे होते हैं। ठीक, तो क्या होगा, इस तरह से एक बेसिक आइडिया लेके चले आप, 7 से 8 घंटे करनी पड़ेगी उसे। शुरू के 2 दिन इस तरह से मान के चले कि 2 दिन, या शुरू के जैसे भी वो एडजस्ट करते हैं, शुरू के 2 दिन 7 से पूरे 8 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी। अब 8 घंटे जब तक भी 8 बजे 8 घंटे पूरे होंगे उस टाइम तक। ठीक, फिर जैसे नेक्स्ट 2 डे कैसे करनी पड़ेगी, नेक्स्ट 2 डे 13 घंटे से 21 घंटे, ये रेलवे के अकॉर्डिंग टाइम है, समझ गए ना आप, 8 या 24। देखो इस तरह से मैं आपको समझा देता हूँ, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। जैसे ये 8 घंटे का, यहां से यहां तक 8 घंटे होते हैं, यहां से यहां तक 8 घंटे होते हैं, फिर यहां से यहां तक अगले 8 घंटे होते हैं, और फिर यहां से यहां तक अगले 8 घंटे, तो 8 या 24 हो गया पूरा का पूरा ये। तो शुरू के 2 दिन यहां करनी पड़ेगी, फिर नेक्स्ट 2 दिन इसमें और नेक्स्ट 2 दिन इसमें। ठीक है, तो इस तरह से ड्यूटी करता है। ठीक, 8 दिन शुरू के यहाँ पे इस पॉइंट पर, फिर अगले 2 दिन 8 घंटे इस पॉइंट पर,
और अगले 2 दिन 8 घंटे इस पॉइंट पर, तो टोटल 6 दिन, 6 दिन हो गए, 2 डेज, 2 डेज और ये 2 डेज करके टोटल उसने 6 दिन ड्यूटी कर ली है, और उसमें उसको 1 दिन का फिर क्या मिलता है, रेस्ट मिलेगा। ठीक, समझ गए आप मेरी बात को? तो इस तरह से करेगा शेड्यूल, पहले 2 दिन का अलग रहेगा, अगले 2 दिन का अलग रहेगा। शिफ्ट मतलब शिफ्ट जो है, शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट हो गई, फिर एक नून की शिफ्ट हो गई और फिर एक नाइट की शिफ्ट हो गई, इस तरह से आप मानेंगे। ठीक है, तो ये उसको इस तरह से काम करना पड़ेगा, 6 दिन हो गए टोटल वीक में, 1 दिन का इसको रेस्ट मिल जाएगा। और जो अगला है 12 घंटे का जो ड्यूटी रोस्टर इसका होता है 12 घंटे वाला, इसमें 12 घंटे की पूरी ड्यूटी करनी पड़ेगी, जैसे 7 बजे से 19 घंटे तक। रेलवे में जो टाइम चलता है वो घंटों में चलता है, 7 घंटे से 19 घंटे तक, 19 घंटे से 7 घंटे तक, इस तरह से। तो इसको वीक में पूरे 5 दिन की ड्यूटी करनी होगी अगर उसका 12 घंटे का ड्यूटी रोस्टर है। अगर वीक में 5 दिन ड्यूटी करेगा तो 12 पंजे 60, तो टोटल 60 घंटे की उसकी क्या हो जाती है, ड्यूटी रोस्टर हो जाएगा। 5 दिन करेगा 12 पंजे 60, 2 दिन का उसको क्या मिल जाएगा, रेस्ट मिल जाएगा। ठीक, आई थिंक आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, मैं बहुत क्लियरली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो आपका दोस्तों ड्यूटी रोस्टर होता है, ये क्या करता है, स्टेशन के हिसाब से अलग अलग होता है। अगर स्टेशन छोटा है तो वहां पर ड्यूटी रोस्टर अलग होगा, स्टेशन बड़ा है तो वहां पर ड्यूटी रोस्टर अलग होगा, तो ये स्टेशन के हिसाब से बदलता रहता है। ठीक है, आगे मैं इसमें देखता हूँ दोस्तों, इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये जो पॉइंट्समैन होता है ये क्या करता है, स्टेशन मास्टर के साथ रहेगा, एसएम के साथ रहेगा और एसएम का आदेश का पालन करता है। स्टेशन मास्टर के साथ रहता है, उसकी हेल्प करता है और उसके आदेशों का पालन करता है। ठीक, इसमें आगे पॉइंट्स बनाना और ट्रेन पास कराना, मैंने बता दिया पॉइंट्स बनाने का काम है इसका, और ट्रेन पास कराने का काम भी किसका है, ट्रेन पास कराता है तो ऑल राइट सिग्नल दिखाता है उसको ये कि भाई सब कुछ ठीक है, ट्रेन पास कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन को फ्लैग शो करना होता है, व्हील देखना। अब देखो, जब गेटमैन हो या पॉइंट्समैन हो, जब ट्रेन वो व्यक्ति पास करा रहा है तो उसको ये आदेश दिए जाते हैं कि भाई जब आपके सामने से ट्रेन जा रही है तो आप उस ट्रेन में कुछ छोटी छोटी चीजें नोटिस करेंगे, जैसे कि ट्रेन में कोई खटखट खटखट की इस तरह से आवाज तो नहीं आ रही। अब इस आवाज आने का रीजन क्या हो सकता है, कि कोई ट्रेन का पार्ट टूट के नीचे लटक गया हो, तो वो आपको, अगर ऐसा अंदेशा आपको है कि भाई कुछ गड़बड़ है, तो आप उसे स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्म करेंगे, सूचना देंगे। आपका स्टेशन मास्टर अगले स्टेशन पे सूचना दे देगा। इस तरह से ऑपरेट करते हैं, एक दूसरे को मिलके कोऑपरेट करते हैं। ठीक है, आग, ट्रेन में कोई आग तो नहीं लगी हुई, ट्रेन में कहीं धुआं तो नहीं निकल रहा। ठीक है, दुर्घटना हो सकती है इससे, आग लगने से दुर्घटना हो सकती है धुआं निकलने से। हॉट एक्सल, हॉट एक्सल के बारे में अलग से एक वीडियो बना दूंगा, हमारी भी जब ट्रेनिंग हुई थी तो हमें भी हॉट एक्सल के बारे में बहुत गौर से समझाया गया था। हॉट एक्सल होने पर भी ट्रेन में आग लग सकती है। ठीक है, आइए मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। नाउ ऑटो ऑपरेट, अब तो ऑटो ऑपरेट पॉइंट्स आ गए हैं, जो कि ऑपरेट करना बहुत इजी है, आप पे वर्कलोड पहले के जितना नहीं रहता। हर बार पहले आपको उनको ऑपरेट करने जाना पड़ता था, लेकिन अब आप अंदर बैठे बैठे स्टेशन में बैठे बैठे उनको ऑपरेट कर सकते हैं। पहले मैनुअली था तो थोड़ा सा हार्ड था, काम स्टेशन के हिसाब से अलग अलग होता है, मैंने आपको पहले बता दिया है। गुड्स ट्रेन हैंड ब्रेक खोलना या बंद करना इसका काम होता है, ये भी मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। आगे की चीजें क्या है, कॉशन ऑर्डर लोगों को देना। जो क्वेश्चन ऑर्डर होता है, क्वेश्चन ऑर्डर का मतलब क्या है, कहीं पे अगर ट्रैक पे वर्क चला हुआ है तो ट्रेन की स्पीड को कम करने के लिए एक क्वेश्चन ऑर्डर दिया जाता है स्टेशन मास्टर की अनुमति से लिखवा करके। तो पॉइंट्समैन क्या करेगा, ट्रेन वाले यानी कि लोको पायलट को ड्राइवर को जाके क्वेश्चन ऑर्डर देगा। ठीक है, कि भाई ये क्वेश्चन ऑर्डर है, यानी कि एक तरह से स्टेशन मास्टर से लिखवा के देता है। ठीक, क्वेश्चन ऑर्डर देता है। और पॉइंट्समैन कभी कभी गेटमैन भी बन के काम करता है, मतलब उसको कभी कभी गेट पर भी काम करना पड़ जाता है। मैंने कहा ना, अलग अलग काम होते हैं स्टेशन के हिसाब से। ठीक, अगर कोई गड़बड़ हो जाती है तो वो स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्म करता है। ठीक, थ्रू ट्रेन को ऑफ साइड से सिग्नल देता है। अगर थ्रू ट्रेन है मतलब बिना रुके ट्रेन पास हो रही है, ठीक, तो वहां पर वो ऑफ अपोजिट साइड से या ऑफ साइड से सिग्नल दिखाता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं हम लोग इसमें। अब इसमें क्या है, देखो ट्रेनिंग टाइम इसका 1 मंथ का होता है, ट्रेनिंग टाइम 1 मंथ का होता है, पहले ज्यादा होता था, अब तो लगभग सभी की ट्रेनिंग 1 महीने की होती है ग्रुप सी में। ठीक है, और प्रमोशन इसका 2-3 साल में प्रमोशन हो जाता है। ठीक, और यहाँ पर फाइनली वर्क कैसा है, इजी कह सकते हैं, इजी टू मैनेज, आसान काम है, कोई ज्यादा भारी काम नहीं है। लोड और अनलोड करना, देखो लोड और अनलोड, कोयले की जो गाड़ियां होती हैं या जो आयरन की गाड़ियां होती हैं, कभी कभी उसकी ड्यूटी लोड और अनलोड करने के वहां पर भी लगा दी जाती है। मतलब उसको लोड और अनलोड नहीं करना, उसको मैनेज करना है, वहां पे उसको व्यवस्था देखनी है। लोड और अनलोड तो लेबर करती है ज्यादातर, ठीक है, या वहां पे लगे वर्कर करते हैं।
तो कभी कभी इसकी ड्यूटी यहाँ पर भी लगा दी जाती है। आई थिंक आप मेरी बात को समझ रहे हैं, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे समझाने की। 10-5 मिनट लंबा ये वीडियो हो भी गया, तो ये वीडियो केवल और केवल दोस्तों आपकी नॉलेज के लिए, मेरे 3-4 दिन की मेहनत है, थोड़ी सी कदर तो आप करना इस चीज़ की, ठीक। डिवीजन में क्लैरिकल वर्क भी करना पड़ता है इसको, डिवीजन में कभी कभी इसको क्लैरिकल वर्क भी करना पड़ता है। और एक चीज़ और, ये साफ सफाई वाली जॉब है एक तरह से देखा जाए तो, इसमें आपके कपड़े भी गंदे नहीं होते। जैसे ट्रैक मैन में आपको ट्रैक पे चल चल के इधर उधर बहुत टेक्निकल चीज़ें देखनी होती है, पूरा पसीने में लथपथ आपकी बॉडी हो जाती है, पूरे गंदे जाते हैं, आपकी बॉडी से स्मेल आने लगती है। ये ऐसा नहीं है, आपको इसमें ये करके ये फील आएगा कि यार आप एक ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, आप एक ऑफिसर टाइप की आपकी नौकरी है, एक ऑफिस वाले बंदे की तरह आपको फीलिंग आएगी। वर्क्स डिपेंड ऑन स्टेशन और डिवीजन, स्टेशन और डिवीजन पे वर्क डिपेंड करता है। क्लरिकल जॉब भी करनी पड़ सकती है। मेन वर्क क्या है आपका? ऑल राइट सिग्नल दिखाना, ट्रेन को पास कराना और पॉइंट्स को मेंटेन करना, ठीक है, एंड पॉइंट्स को मेंटेन करना। आगे बताता हूँ मैं आपको, देखो ये मैंने आपको बता ही दिया, ये आपके पॉइंट्स हैं इस तरह से, ये ऑपरेट करने के लिए इसको ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, इसमें ये पॉइंट्स हैं, देखिए ये पॉइंट्स हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनमें कुछ पत्थर वत्थर अगर आ जाता है या यहाँ पर जो लगे हुए मोटर हैं इनमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, तो पॉइंट्स मैन इनको आके ठीक करता है, सही करता है, ठीक है। आगे मैं आपको बताता हूँ भाई, ये रहे पॉइंट्स आपके, ये देखिए यहाँ पे पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर इस हिस्से में अगर कोई पत्थर वत्थर आ गया तो वो किसको ठीक करना पड़ेगा? पॉइंट्स मैन को ठीक करना पड़ेगा। समझ गए होंगे आप मेरी बात को, अच्छे से मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए ये मैनुअली पॉइंट है जिसको एक व्यक्ति आएगा और इसको ऑपरेट करेगा, ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये पहले होता था, अब तो सभी जगह ऑटोमेटिक पॉइंट्स हो गए हैं इसमें। नेक्स्ट ये हैंड ब्रेक का काम भी किसका है? पॉइंट्स मैन ही करता है इसको भी, तो ये भी पॉइंट्स मैन ही करता है, ठीक। ये देखिए ये हैंड ब्रेक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसको भी पॉइंट्स मैन ही देखता है करके। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें लगभग बता दी हैं। और जो इसकी सैलरी है, सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी इसमें बेसिक पे 18,000 ही, जब आप स्टार्टिंग में लगते हैं तो 18,000 ही इसका बेसिक पे होता है, ठीक है। बाकी अगर इसका एक्स्ट्रा ड्यूटी मिलती है तो एक्स्ट्रा ड्यूटी का तो आपको पता ही है, मिलता ही है वो सब चीज़ें। तो नाइट में जब आपकी ड्यूटी लगती है तो नाइट का नाइट अलाउंस भी अलग से मिलता है, ठीक। नाइट ड्यूटी आपकी अगर कभी भी नाइट में ड्यूटी लगती है तो आपको नाइट के अलग से चार्जेस दोस्तों मिलते हैं, चाहे वो गेट मैन ही क्यों ना हो, चाहे वो ट्रैक मैन ही क्यों ना हो, ठीक। हम बात करते हैं इसके थोड़ा सा प्रमोशन के बारे में। जैसे आप असिस्टेंट पॉइंट्स मैन के आप लगते हैं, असिस्टेंट पॉइंट्स मैन पे आपका सिलेक्शन होता है, तो कुछ टाइम बाद आप इसमें पॉइंट्स मैन बनते हैं, ठीक ठीक है दोस्तों, ये आप पॉइंट्स मैन बन जाते हैं। तो ये असिस्टेंट पॉइंट्स मैन पे आप लगते हैं और कुछ टाइम बाद प्रमोशन लेके आप पॉइंट्स मैन बन जाते हैं। समझ गए आप मेरी बात को, प्रमोशन में आपको 2 से 3 साल का समय लगता है, वो समय बिताने के बाद आप पॉइंट्स मैन बन जाते हैं, ठीक। और एग्जाम देकर भी आप अपनी तरक्की इसमें सुनिश्चित कर सकते हैं, प्रमोशन ले सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट जॉब बताई गई है पढ़ाई के लिए, क्योंकि स्टेशन पे बैठ के रहना पड़ता है आपको, वहां पे इजीली आप काम भी देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को भी मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है इस वीडियो में समझाने की, अच्छे से पूरी एफर्ट लगाए हैं, पूरी एनर्जी, पूरा दिमाग लगाया, पूरी रिसर्च की है, फिर भी बहुत सारे सवाल आप लोगों के दिमाग में बनते हैं। कुछ पॉइंट रह गया हो, छूट गया हो, आप मुझे कमेंट करें, मैं आगे वीडियोस में कवर करूंगा। अगला वीडियो मैं गेट मैन पर लेके आ रहा हूं, क्योंकि सेकंड प्रायोरिटी आपकी गेट मैन की और हॉस्पिटल अटेंडेंट की थी, तो अगले वीडियोस मेरे इन पर होंगे। कमेंट कीजिए किस टॉपिक पर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भविष्य मंगलमय हो, आपका भविष्य सुखमय हो। बाय गाइज, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।